मानिकपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। बीजेपी प्रत्याशी आनंद शुक्ला भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जिनका दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। मानिकपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 21 अक्टूबर को होंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी प्रत्याशी आनंद शुक्ला भी घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आनंद शुक्ला 2017 में भी मानिकपुर सीट से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन तब बीजेपी ने आरके पटेल पर विश्वास जताया था। मगर लोकसभा चुनाव में आरके पटेल के सांसद बनने के बाद जब एक बार फिर मानिकपुर सीट खाली हुई तो बीजेपी ने आनंद शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका दावा है कि जनता एक बार फिर बीजेपी पर अपना भरोसा जताएगी। बीजेपी ने मुझ पे विश्वास जताया है, ये मेरे टिकट मांगने के कारण नहीं जताया है, उसने इसको ये क्षेत्र की आवाज़ समझ में आई है। मैं जिस दिन से अपने इस पूर्वजों की भूमि पे, अपने इस मातृभूमि को जिस दिन से मैंने सेवा की भूमि को अपनाया है, वो दिन है और आज का दिन है। मैं निरंतर क्षेत्र में प्रवास कर रहा हूँ कि क्षेत्र की आवाज़ गई है ऊपर तक, वरना टिकट तो मैं 17 में भी मांग रहा था, मैं 19 में भी लोकसभा मांग रहा था, पर पार्टी को नहीं समझ में आया। आनंद शुक्ला अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान चला रहे हैं। इस बीच आनंद शुक्ला पर कई आरोप लगे हैं, जिन पर आनंद शुक्ला का कहना है अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो समझ लीजिए आप सफल होने वाले हैं। मानने को क्या कहेंगे भाई साहब, मानने को तो क्षेत्र है, जनता है, जनता की आवाज ही सब कुछ होती है, वही अंतोगत सच है। और पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया, विभिन्न प्रकार के सर्वे करती है, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ चंद लोग और वो भी कौन चंद लोग, वो सब भाजपा ही कोई नहीं है। मानिकपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आनंद शुक्ला को विरोधी बाहरी बता रहे हैं, हालांकि आनंद शुक्ला इन आरोपों को निराधार बताते हैं। वो सपा बसपा की आवाज है, वो भयग्रस्त है, डर में है कि वो जानते हैं कि क्या जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति यहाँ पर आ गया, पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा, हर एक चीज को समझने वाला, और जो चार वचन लेके चल रहा है, तो वो तो ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे। मानिकपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार पूरे शवा पर है, सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आनंद शुक्ला का भी दावा यही है, हालांकि फैसला जनता को ही करना है। ओमकार सिंह, जी मीडिया, चित्रकूट।